8 सेगमेंट इज टिप्स टू गिव क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म लेना कैसे है वो तो हमें समझ में आ गया, बट क्रिटिसाइज करना कैसे है किसी इंसान को। तो पहली चीज़ तो क्रिटिसाइज कभी भी किसी इंसान को पब्लिकली तो करो ही मत, लोगों के बीच में कभी भी मत करो। जब भी आपको अप्रिशिएट करना है लोगों के बीच करना है, बट जब भी आपको क्रिटिसाइज़ करना है किसी चीज़ को लेकर तो हमेशा अकेले में अलग से, वहाँ पर पब्लिकली नहीं बोलना है। पब्लिकली ह्यूमिलिएशन होता है वो, पब्लिकली आप सामने वाले इंसान को नीचा दिखा रहे हो, आप उसे बहुत गंदी फीलिंग दे रहे हो, वहाँ पर वो ह्यूमिलिएशन हो रहा है, वो नहीं करना है। क्रिटिसाइज़ जब भी आपको करना है, कोई कमी लगी, कोई वीकनेस लगी, कोई गलती लगी जहाँ पर आप जेन्युइनली चाहते हो सामने वाला इंसान इंप्रूव करे, इसका मतलब आप उसे अलग से अकेले बैठकर बताओगे ये चीज़, एकांत में ये बात की जाएगी, ना कि सब लोगों के बीच में बैठकर कि तुमने ये तो गलती कर दी। 48th प्रिंसिपल इज डो नॉट कंपेयर। जब भी क्रिटिसाइज करो कंपेयर मत करो, उसे मत बताओ कि उसने वो किया और तू नहीं कर पाया, देख वो कितना अच्छा कर रहा है और तूने तो किया ही नहीं, देख तेरा भाई तेरे से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छे मार्क्स लेकर के आया और तू निकम्मा निठल्ला आलसी कुछ नहीं करता है ये। कंपेरिजन जहाँ पर हो गया, अगर आपने सामने वाले इंसान को कंपेयर कर दिया, वहाँ पर वो अंदर से टूट जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है, वो अंदर से इतना डिमोरलाइज इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि, और उसके रीज़न आप होते हो क्योंकि आप उसे कंपेयर करते हो। कंपेरिजन से कभी भी ग्रोथ नहीं आती है, कभी भी नहीं आने वाली कंपेरिजन से ग्रोथ, हमेशा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, हमेशा जज करेगा वो इंसान खुद को, हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ कंपेरिजन। तो कंपेयर कभी नहीं करना है आपको, क्रिटिसाइज अगर करना भी है तो स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के ऊपर जो आपको सच में लगता है कि जहाँ इंप्रूवमेंट की जा सकती है आपको वहाँ का क्रिटिसाइज करना है। यहाँ से आ जाते हैं हमारे 49th पॉइंट की तरफ कि एंड क्रिटिसिज्म विद एनकरेजमेंट। क्रिटिसाइज कर भी दिया ना, एंड में एक अच्छी चीज़ भी बता दो, भाई सब कुछ बेकार थोड़ी लगा होगा, सब कुछ गलत थोड़ी अगले वाले इंसान के ऊपर, बोल सकते हो एंड में, आप बोल सकते हो कि तुम्हारी एक चीज़ अच्छी लगी कि तुम इंप्रूवमेंट करने को तैयार हो यार, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इंप्रूव करना चाहते हो तुम्हारा, हाँ ठीक है बॉडी लैंग्वेज में गड़बड़ लगी बट ये एक्सप्रेशन ये चीज़ अच्छी लगी बहुत, तुम्हारी जो प्रिपरेशन थी वो बहुत लाजवाब थी यार, बहुत मज़ा आया सच में, वो बहुत देखने में अच्छा लग रहा था, बैकएंड पे जो काम था वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, मुझे पर्सनली आई लाइक द वर्क। जो भी चीज़ अच्छी लगी है एंड क्रिटिसिज्म विद एनकरेजमेंट, अगर आप एनकरेजमेंट एंड में देते हो तो वो इंसान क्रिटिसाइज भी हो गया और उसको ज़्यादा बुरा भी फील नहीं हुआ, उसको समझ में आ गया कि यहाँ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो इम्प्रूव करेगा वहाँ पर।